नेशन। तो दोस्तों आज मैं बनाने जा रही हूँ दही के पराठे, और दही के पराठे बनाने का तरीका मेरा थोड़ा अलग होगा, लेकिन उसे बनाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मेरे नए नए फूड इनोवेशन आपके फोन पे घंटिया में जाते रहने चाहिए। तो चलिए दोस्तों हम अपने ट्रिकी दही के पराठे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दही का पराठा बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर गेहूँ का आटा ले लिया है 250 ग्राम। 200 ग्राम से थोड़ी ज़्यादा दही ली है क्योंकि दही का ज़्यादा यूज़ होगा, पानी कम यूज़ होगा। 2 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कट कर ली हैं, थोड़ा सा हरा धनिया ले लिया है बारीक कट किया हुआ, 4 हरी मिर्च ली हैं, आज मैं थोड़ा चटपटा बनाने वाली हूँ, और 2 चम्मच कसूरी मेथी ले ली है, थोड़ा सा अदरक ले लिया है कद्दूकस किया हुआ, 1/2 टीस्पून राई ले ली है, 1/2 टीस्पून ही हल्दी ली है कलरिंग के लिए, 1 टीस्पून लिया है मैंने मिर्च चटपटा बनाने के लिए पाउडर, और 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, नमक स्वादानुसार। तो चलिए अब हम अपना बैटर तैयार करेंगे। हम आज डो नहीं लगाएंगे, जैसा कि मैंने कहा था अलग तरीके से, तो आज हम बैटर तैयार करेंगे, डो नहीं लगाना है। सारी चीज़ें एक में ही पहले मिक्स कर लेते हैं, मतलब एक साथ डाल लेते हैं। तो दोस्तों आज ये बिल्कुल अलग तरह का हमारा तैयार होने वाला है। तो जैसा कि मैंने पूरी दही डाल ली थी, अब उसी बाउल में लगभग आधे बाउल अभी मैंने डाला है पानी, और देखिए तरह से हो गया है जितना आप, हाँ बस हमें बैटर की कंसिस्टेंसी इतनी ही चाहिए, ज़्यादा पतली नहीं करेंगे हम, देखिए इस तरह से। ये अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए ढककर रख देंगे, एंड आफ्टर 10 मिनट, मैंने 10 मिनट बाद ही इसे खोल लिया, और सेट हो चुका है, पैन भी गर्म हो चुका है, ऑयल भी डाल दिया है मैंने, और अब मैं 2 चम्मचे इसमें डाल दूंगी और फैला दूंगी इसे, और बस हमारा लगभग 3 मिनट में ये पराठा बनकर तैयार हो जाएगा, और वो भी बस आधी चम्मच ऑयल में ही बन जाएगा। तो इसे ढक कर रख देती हूँ मैं, 1.5 मिनट बाद खोल के देखेंगे, एक तरफ से सिक चुका होगा। तो ये देखिए एक तरफ से तैयार हो चुका है, अब हम हल्का सा ऑयल लगा देंगे इसके ऊपर और बस इसे पलट देंगे, हमारा पराठा रेडी। हल्का सा थिक होगा लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा होगा, स्पॉन्जी बनेगा ये। इधर से प्रेस कर देंगे, ढक कर रखना है, ढक कर भी रख देंगे अगर रखना चाहिए चाहते हैं तो। और तो एक तरफ से मैं थे और इधर से बस 10 सेकेंड के लिए ही करूँगी ऐसे, इसे थोड़ा और कुरकुरा हो जाता है दोनों साइड से। तो देखिए हमारा पराठा बनकर तैयार हो गया है, इसी तरह से हमें सारे पराठे बना लेने हैं। तैयार हो चुके हैं और अब मैं इन्हें रोल करके सर्व करूंगी। अलग तरह से बनाए हैं तो थोड़ी सर्विंग भी अलग होनी चाहिए ना, तो इसीलिए मैं इसे इस तरह से रख रही हूँ। और हाँ दोस्तों मैं बता दूँ आपको, इतने बैटर में हमारे 10 पराठे बनकर तैयार हो गए थे। तो देखिए दोस्तों हमारे दही के पराठा वो भी अलग स्टाइल में बनकर तैयार हो गया है, मैंने इसे सेजवान चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। आपके घर में जो भी चटनी पसंद की जाती हो या सॉस, आप उसके साथ इसे सर्व कर सकते हैं, और इसे ज़रूर बनाइएगा, और इस तरह से ज़रूर बनाइएगा। अगर आप दूसरी तरह से अभी तक बनाते आए हैं तो इस तरह से भी बना लीजिएगा एक बार, देखिएगा कितने टेस्टी लगते हैं, और आधी चम्मच में ही एक पराठा बनकर तैयार हो जाता है, देखिए कितना स्पॉन्जी है, जितना स्पॉन्जी है उतना ही इसे टेस्टी भी है। तो ज़रूर बनाइएगा आप भी दोस्तों, और खाइएगा एंड घर वालों को खिलाइएगा।
तो दोस्तों देखा आपने कितनी आसानी से दही के पराठे बनकर तैयार हो गए हैं और ये और भी ज़्यादा टेस्टी बने हैं और बहुत कम ऑयल में बन जाते हैं। तो आप भी इसे इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा एंड बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा क्योंकि मेरे नए नए फूड इनोवेशंस आपके फोन पर घंटियाँ बजाते रहेंगे। तो दोस्तों घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए मोनिका इनोवेशन के साथ। फिर मिलते हैं किसी नए इनोवेशन के साथ। बाय, टेक केयर।